लोग पौष्टिक भोजन का सेवन कम और बाहर के जंक फूड्स का सेवन अधिक करते हैं, जिससे खुद ही अपने शरीर में बीमारियों को न्योता दे बैठते हैं। लेकिन अगर आप मैदे से बनी चीजों या फिर बर्गर पिज्जा का अधिक सेवन करते हैं तो इससे आप पथरी की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही पेट में या फिर किडनी में पथरी होने के कारण आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिससे निजात पाने के लिए आप कई तरह के चीजों का सेवन करना बंद भी कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आप किस चीज का सेवन करके अपनी पथरी को मिनटों में दूर कर सकते हैं, साथ ही इसके आसानी दस्त से निजात भी पा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके लिए आप सबसे पहले एक बर्तन ले लें और इसमें आप करीबन एक गिलास पानी डाल लें। उसके बाद आप दो बड़े प्याज को काट कर इसमें डालकर इसे अच्छे से उबलने दें। जब ये अच्छे से उबल जाए तब आप इसके रस को दूसरे बर्तन में छान कर थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ठंडा हो जाए तो आप इसे किसी गिलास या बर्तन में रख दें और सुबह के समय खाली पेट इसका एक गिलास सेवन करें। लेकिन आपको इसका सेवन रोजाना यानी एक हफ्ते तक लगातार करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पथरी की समस्या से निजात पा लेते हैं, साथ ही इसका असहनीय दर्द भी दूर होता है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले आप एक बार किसी एक्सपर्ट की परामर्श अवश्य लें। क्यूरेंट हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।